नमस्कार, आप देख रहे हैं दहाड़, साथ में आपके शिखा ठाकुर। मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार का एक फैसला सियासी संग्राम का सबब बन गया है। सूबे के सरकारी और निजी कॉलेजों को 88 किताबों की लिस्ट सरकार की तरफ से दी गई। उच्च शिक्षा विभाग ने एक आदेश अब इसमें जारी किया और इन किताबों को पाठ्यक्रम में शामिल करने का आदेश दिया है, लेकिन इनमें से कुछ किताबें आरएसएस से जुड़े शिक्षाविदों की लिखी हुई है। बस यही बात कांग्रेस को रास नहीं आई और मोहन यादव सरकार विपक्षी दलों के निशाने पर आ गए। कांग्रेस अब कह रही है कि आखिर एक खास विचारधारा के लोगों की लिखी हुई किताबें बच्चों को पढ़ाने का औचित्य क्या है? क्या संघ की सोच को पाठ्यक्रम में शामिल करना सही है? क्या आरएसएस की अलग अलग इकाइयों से जुड़े हुए विचारकों की सोच छात्रों के जीवन में भरना सियासी हथकंडा नहीं है? ये सवाल कांग्रेस पूछ रही है। अब इन्हीं सवालों के साथ मध्य प्रदेश की सियासत में उबाल आ गया है। कांग्रेस कह रही है कि ये जो कैंपेन है उसको आरएसएस के रंग में कैंपस को रंगने की तैयारी है, साथ ही संविधान बदलने की नीयत का इसे एक हिस्सा भी बताया गया। अब यहाँ सवाल ये है कि हर लेखक किसी न किसी विचारधारा का तो होता ही है। अब तक जिन लेखकों की किताबें पाठ्यक्रम में शामिल की गई हैं वो भी कभी ना कभी किसी न किसी विचारधारा से प्रभावित रहे होंगे, लेकिन किताबों में तटस्थ रह करके ज्ञान देना चाहिए। खास करके पाठ्यक्रमों के लिए किताबों का चयन सावधानी पूर्वक किया जाता है। मध्य प्रदेश सरकार अपने इस फैसले की वजह से एक बार फिर से घिर गई है। विपक्ष सरकार पर हमले बोल रहा है। दहाड़ में आज हम इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे खास मेहमानों के साथ, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि बीजेपी का इस विवाद पर कहना क्या है। हम तो कह रहे हैं ना, अब तो संविधान बदलने की पूरी नियत है इनकी। अब संविधान के स्थान पर भी संघ का संविधान आने वाला है। आप देख लीजिएगा ये क्या क्या करेंगे। ये तो हम रोक रहे हैं इसलिए रुके हुए हैं। ये भाई जो नियम कानून है, नियम कानून अगर अनुमति देते हैं कि जेल के भीतर से पत्र लिखे जा सकते हैं तो वो उन पर भी लागू होंगे। आरएसएस के प्रचारकों द्वारा जो लिखी हुई किताबें हैं इनकी रैंकिंग अगर आप देखें तो इनको आरएसएस के लोगों के अलावा कभी किसी ने पढ़ा ही नहीं है। और जिस तरीके से उच्च शिक्षा विभाग ने तुगलकी फरमान निकाला है, हम उसका विरोध करते हैं। मध्य प्रदेश के छात्रों पर दबाव बनाना बंद करें और इस तरीके की किताब जिनका सीधे तौर पे कोई लेना देना नहीं है इनको लागू करने से इसमें तत्काल रोक लगनी चाहिए और मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को दूषित होने से रोकने के लिए कांग्रेस का कार्यकर्ता चाहे किसी भी स्तर पे जाके लड़ाई लड़ना पड़ेगी, हम लड़ेंगे। हम सड़कों से लेके माननीय न्यायालय तक जाएंगे और इन किताबों को सिलेबस से बाहर निकालने के लिए लड़ाई। ये किताबें आरएसएस की नहीं है, ये किताबें राष्ट्रवादी चिंतकों के द्वारा इस राष्ट्र की जो एक अवधारणा है उसके दृष्टिकोण के साथ लिखी गई हैं। सरकार का उत्तरदायित्व है कि छात्रों के भीतर राष्ट्रवाद की भावना को स्फूर्तित करे और पूरी तरीके से छात्रों के अंदर इस राष्ट्र की परिकल्पना और उसके बनने और उसको संवारने के जो बिंदु हैं उनको संवारा जा सके, और उस दृष्टिकोण के साथ इस प्रकार के निर्णय लिए गए हैं। अपनी तुष्टिकरण की राजनीतिक भावना के कारण, राष्ट्र विरोधी राजनीति के कारण कांग्रेस इस एक ऐतिहासिक निर्णय का विरोध कर रही है। तो सुना आपने, क्या कुछ रिएक्शंस आ रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर के? तो आज की दहाड़ को शुरू करने से पहले उन सवालों का पहले जल्दी से रुख कर लेते हैं जिसके इर्द गिर्द आज हमारी चर्चा रहने वाली है। पहला सवाल है कि संघ का नाम आते ही आखिर क्यों परेशान हो जाती है कांग्रेस? कॉलेजेस में आरएसएस से जुड़ी हुई किताबें पढ़ाना सही है या फिर गलत? क्या एमपी सरकार का आदेश सियासी सोच से प्रेरित है? इस फैसले को संविधान पर खतरा बताना आखिर कितना सही है? और पांचवा और अंतिम सवाल कि क्या कॉलेजेस पर खास विचारधारा जो है वो सौंपी जा रही है? इस समय मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एक बार आपका तारुफ करवा देते हैं। पंकज चतुर्वेदी, प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ, भूपेश यादव, प्रवक्ता कांग्रेस, प्रोफेसर भुवन जोशी, प्रवक्ता सपा, समीर चौगांवकर, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, और डॉक्टर विवेक सिंह भी हमारे साथ जुड़ेंगे, आरएसएस विचारधारक है। सबसे पहले इस बात को समझना जरूरी है कि एक विचारधारा को क्या वहां थोपने की कोशिश हो रही है। पंकज जी, ये गंभीर सवाल कांग्रेस आपसे पूछ रही है, ये गंभीर आरोप आप पर है कि आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी है? आखिर आरएसएस का जो पैमाना है और आरएसएस की जो सोच है उसको किताबों में रखने की जरूरत क्यों पड़ रही है? देखिए शिखा जी, मुझे लगता है कि आपका जो पहला सवाल तो वाजिब सवाल है कि आरएसएस का नाम आते ही कांग्रेस क्यों परेशान हो जाती है। मैं तो सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि क्या भारत भूमि पर रहकर भारतीयता की बात करना, भारत के विद्यार्थियों को भारतीयता का पाठ पढ़ाना, भारतीय संस्कृति की, भारतीय संस्कारों की, भारतीय परंपरा की, भारतीय ज्ञान की बात करना क्या अपराध है? क्या हम पाकिस्तान में जाकर ये पढ़ेंगे कि अफगानिस्तान में कि बांग्लादेश में? और मैं सिर्फ सवाल ये पूछ रहा हूं कि यदि कोई लेखक किसी विचारधारा का है, इसके पहले जो पुस्तकें चलती थी उनकी कोई विचारधारा थी, हमने आपत्ति ली क्या? यदि उनका कंटेंट विद्यार्थियों के काम का है, समयकाल परिस्थिति के आधार पर जैसी आवश्यकता देश की है वैसा कंटेंट पाठ्यक्रम यदि सिलेबस परिवर्तित किया जाता है तो आपत्ति क्या है?
हम यदि रामायण की बात करें तो कांग्रेस को आपत्ति, गीता की बात करें तो कांग्रेस को आपत्ति, राम मंदिर की बात करें तो कांग्रेस को आपत्ति, कृष्ण वनगमन पथ की बात करें तो आपत्ति, मथुरा की बात करें तो आपत्ति, काशी की बात करें तो आपत्ति। अरे कब तक हिंदुओं के नाम पर आपत्ति? ये गाजा पर मुखर और बांग्लादेश पर मौन, ये तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले शिखा जी जब तक इस देश में है, और ये सिर्फ एक ही षड्यंत्र है कि मेरा और आपका भारत सुपर पावर ना बने, विश्व शक्ति ना बने, उसका षड्यंत्र है। ठीक है, जिस प्रकार की आप स्तर तो देखिए, आप किसी ने कोई किताब नहीं पढ़ी, उसमें स्वामी विवेकानंद की पुस्तक सम्मिलित है, क्या वो संघ के हैं? डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक, क्या वो संघ के हैं? 14 उसमें लिखा अंग्रेजी भाषा के, क्या वो संघ के हैं? किसी भी संघ के नाम पर आपको आरोप लगाना और तुष्टीकरण की बात करने वाले आरोप लगाते हैं, मेरा सीधा सवाल है। ठीक है, सवाल का जवाब ले लेते हैं। भूपेश यादव जी, आपको दिक्कत क्या है आरएसएस की जो विचारधारा है, और जब शिक्षाविद कुछ लिखते हैं और उसका चयन जब कोई भी कॉलेज या फिर कोई भी संस्था करती है तो सोच समझ के करती है, तो भूपेश जी हर चीज का राजनीतिक पहलू तलाशना ये कितना सही है और आप ऐसा कर क्यों रहे? ये तो बात भाजपा के प्रवक्ता से पूछनी चाहिए, हर चीज में राजनीति क्यों लाते हैं? शिक्षा में राजनीति, धर्म में राजनीति, देश में, ये पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, जिन्ना की मजाक पे जाके कोर दंडमस्तक हुआ था वहां पे। तो ये जो है, इन्होंने देश में विभिन्नकारी और नफरत फैलाना इनका काम रह गया है। इन्हें सिर्फ अपना वोट बैंक इंटैक्ट करना है, इन्हें देश से कोई लेना देना नहीं, भाई को भाई से लड़ाना है। क्या इसी तरह देश चलता है क्या? क्या जो इन्होंने चयन किए हैं, जितने भी लेखक इन्होंने चयन किया है, क्या विपक्ष की या किसी कोई एक समूह बना के उसमें चर्चा की कि कौन से पाठ्यक्रम में रखना है? नहीं, लेकिन भाई को भाई से लड़ाने वाला कोई शिक्षाविद लिखता है तो क्या ये लगता है? और अगर ये लिखता है, अगर किताब लिखी जाती है तो उसका चयन होता है क्या भूपेश जी? ये तो आप सीधा सीधा आरोप भी लगा रहे हो, और आरोप लगाने के साथ साथ आप ये तो बड़ा अजीब सा एक बयान है, कह सकते हैं भूपेश जी इसको, ये तो बड़ा अजीब गरीब बयान दे रहे हैं कि भाई को भाई से लड़वा रहे हैं। किताब में कहां लिखा है? और पहले किताब आने तो दीजिए। मैं कह तो रहा हूँ, आप मेरी पूरी बात तो होने दीजिए, आप इनका पक्ष में क्यों बोलना शुरू हो जाते हैं? मैं पक्ष में नहीं बोल रही हूँ, लेकिन आपको मैं करेक्ट कर रही हूँ, वो जरूरी है। मुझे अपने विचार रखने तो दीजिए। हाँ बोलिए, अपने विचार रखने तो दीजिए। पाकिस्तान में कौन गया था जिन्ना की मजार पे? पूछिए, पाकिस्तान की बात करते हैं, बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ कौन नहीं खड़ा है? राम मंदिर का कौन विरोध कर रहा है? कांग्रेस का एक स्टैंड था, सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करेगा मान्य होगा। राम मंदिर का राजनीतिकरण आतंकवादी कौन बोलता है? हिंदुओं को आतंकवादी कौन बोलता है? सनत आईएसआई की तुलना हिंदू धर्म से कौन करता है? आपकी पार्टी के लोग है ना? अरे यादव जी, दिग्विजय सिंह जी को पहचानते हैं क्या? भूपेश जी, दिग्विजय सिंह जी को जानते हैं जो हिंदू धर्म को, भगवान को आतंकवाद कहते हैं? शिखा जी, ये पूछिए भूपेश जी से कि दिग्विजय सिंह जी को पहचानते हैं? दिग्विजय सिंह जी को पहचानते हैं क्या आप? जो हिंदुओं को आतंकवादी, भगवा को आतंकवाद कहते हैं, जो राम मंदिर का, राम नाम का, राम काज का विरोध करते हैं, पूछे ना? और पुस्तक पढ़ी नहीं आपने? आपत्ति शुरू कर दी। अरे पुस्तक तो पढ़ो भूपेश जी। भूपेश जी को अपनी बात सर जरा पूरी कर दीजिए। भूपेश जी, मेरा सवाल सिर्फ इतना था आपसे कि अभी तो आरएसएस को लेकर के और उनकी विचारधारा की बात सामने आई है, किताब अभी बनकर तैयार नहीं है, उसके बारे में अभी विश्लेषण भी नहीं हुआ है, तो फिर इसको पॉइंट आउट करके इसमें सियासी रंग देने की जरूरत क्यों पड़ रही है कांग्रेस को? सवाल मेरा इतना सही है। शिखा जी, मैं जानना चाहता हूँ, आरएसएस क्या पंजीकृत संस्था है? क्या एक ऐसी संस्था है जो पंजीकृत है, जिसके लोग जाते जाते हैं, जिसकी लिस्ट है कि उसके कौन कार्य करता है, कौन है कौन नहीं है? जब कुछ ऐसी बात होती है तो ये लोग कह देते हैं हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं है। वैसे देश भी यही चलाएंगे, सरकार भी यही चलाएंगे, सारे काम मंत्रालयों में इन्हीं के लोग होंगे। तो संघ का डेफिनेशन क्या है? संघ चाहता क्या है? अगर ये इतने शुद्ध हैं, पवित्र हैं, तो अपनी संस्था को पंजीकृत कराएं, खुल के मैदान में आए। ये भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक विंग है, क्यों नहीं स्वीकार करते? क्यों इन चीजों से आपत्ति क्यों है, आप मुझे बताइए। यही भाजपा है जो 1930 में यही संघ है जिन्होंने 1930 में सर्कुलर निकाला था और तिरंगे का विरोध किया था। क्यों किया था तिरंगे का विरोध? कितने दिन बाद इन्होंने अपने मुख्यालय पे तिरंगा फहराया? कौन पूछे इनसे? 1947 आपके सवाल को ही आगे बढ़ा देती हूँ मैं। प्रोफेसर डॉक्टर विवेक सिंह, आरएसएस विचारक भी यहाँ पर मौजूद हैं। डॉक्टर विवेक, जिस तरीके से ये बातें सामने आई है, पाठ्यक्रम में आरएसएस विदों का जो ज्ञान होगा वो वहाँ पर होगा। अब चूंकि सवाल इस समय कांग्रेस प्रवक्ता भी आपसे पूछ रहे हैं, बहुत सारे सवाल उन्होंने किए इसमें, तिरंगे से लेकर के तमाम बातों का जिक्र यहाँ पर हुआ है, आपको क्या लगता है ये विचारधारा जो वहाँ पर पाठ्यक्रम में रखी जा रही है उसके पीछे की वजह क्या है?
डॉक्टर विवेक, क्या आप तक आवाज पहुंच रही है? चलिए डॉक्टर विवेक को कनेक्ट करते हैं, उससे पहले समीर जी हमारे साथ मौजूद है। समीर जी, एक लंबा अनुभव आपका रहा है, अब आरएसएस को लेकर के जो बातें होती रही, महात्मा गांधी का जब असासिनेशन हुआ उस दौरान से लेकर के तब तमाम तरह के आरोप लगाते रहे, कांग्रेस की तरफ से आरोप लगते रहे, हमारे ही देश में उन्हें पूरी तरीके से फ्री किया गया, कोर्ट की तरफ से कहा गया कि उनकी संलिप्तता भी नहीं थी, तमाम तरह की बातें होती रही आरएसएस की को लेकर के, आरएसएस पूरी तरीके से फ्री होकर के सामने आया। अब अगर उसकी विचारधारा को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाता है तो आपको क्या लगता है कौन कौन से वो पॉइंट्स हैं जो आरएसएस हमेशा आगे रखता रहा है? मुझे जहाँ तक लगता है सनातन ये तो पक्षधर हमेशा रहा, इसकी बातें होंगी, तो अगर ये तमाम बातें होती है, शिक्षाविद अगर ये लिखते हैं तो इसमें दिक्कत क्या है? देखिए आरएसएस को लेकर तो जब 1925 में आरएसएस बना था, जब केशव बलिराम हेगड़ेवार ने आरएसएस की स्थापना की थी 1925 में, तब से लेकर अभी तक आरएसएस पर तमाम तरह के आरोप लोग लगाते रहते हैं। और तीन बार तो प्रतिबंध कांग्रेस ने लगाया था, गांधी की हत्या पे लगाया था, उसके बाद आपातकाल पे लगाया था, उसके बाद बाबरी मस्जिद के समय लगाया था, और फिर कांग्रेस के समय ही आप संघ से प्रतिबंध हटा और संघ बढ़ते रहा। और अब तो अगले साल 2025 में आरएसएस को 100 साल पूरे होने वाले अपनी स्थापना के, तो संघ तो अपने देश व्यापी और राष्ट्रव्यापी नजरिए के साथ आगे बढ़ता रहा, देशभक्तों की फौज तैयार करता रहा, राष्ट्र के लिए मर मिटने वाले स्वयंसेवकों प्रचारकों की फौज समाज के अंदर उत्पन्न करता रहा और संघ आगे बढ़ता रहा। देखिए किसने लिखा यह महत्व का नहीं है, क्या संघ के प्रचारक है या संघ के स्वयंसेवक है या संघ से जुड़े हुए लोग है जो शिक्षाविद है, जो शिक्षा के क्षेत्र में काम करते हैं या जो शिक्षा के क्षेत्र में योगदान देते हैं, जिनका लंबा अनुभव रहा है समाज में अंदर, अनुभव रहा है शिक्षा के क्षेत्र के अंदर, अनुभव रहा है विभिन्न विश्वविद्यालय में उनका योगदान रहा है, अगर वो कोई किताब लिखते हैं और वो किताब अगर पाठ्यक्रम के स्वीकार की जाती है तो उसमें क्या आपत्ति है? कोई किसी भी विचारधारा से जुड़ा हो सकता है क्या? कांग्रेस के समय पहले कम्युनिस्ट लोगों की किताबें नहीं चली है, तब क्या किसी ने आपत्ति ली थी एजुकेशन में? तो क्या औरंगजेब मानसिकता के लोगों की किताबें चलाई जाएंगी? जब राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग राष्ट्रभक्ति से भावना से लिखी हुई किताबें जिसमें समाज को जोड़ने की बात हो, जिसमें देश को आगे ले जाने की बात हो, युवाओं में संस्कार देने और चारित्रिक निर्माण की बात हो, युवाओं को एक पॉजिटिव थॉट देने की बात हो अगर किताब में, तो उसको स्वीकार करने में क्या हर्ज है? और मैं तो आपको एक महाराष्ट्र का उदाहरण देता हूँ। महाराष्ट्र में जब गोपीनाथ मुंडे उप मुख्यमंत्री थे और नारायण राणे मुख्यमंत्री थे, उस समय एक शिक्षा विभाग ने आरएसएस के प्रचार की किताब को स्वीकार किया। समीर जी, फिर ये विपक्ष जो विरोध कर रहा है उसकी वजह आपको क्या लग रही है? तमाम बातों का आपने जिक्र किया, बैन कांग्रेस के ही टाइम में लगा, उनके ही समय पे हटा भी, तो फिर इसकी वजह क्या है? क्या है इसके पीछे मंशा? उन्होंने उसे कंटिन्यू किया, तो मैं वही सवाल आपसे पूछ रही हूँ, उसके पीछे की फिर मंशा क्या है? सिर्फ राजनीतिक मंशा है इसका मतलब? देखिए जहां संघ का नाम आ गया तो तुरंत कांग्रेस को लगता है कि संघ का नाम आ गया मतलब अब शिक्षा को ये कंट्रोल करेंगे, ये समाज को कंट्रोल करेंगे, जैसे सनातन धर्म को कंट्रोल करेंगे। आरएसएस से इतनी नफरत है कांग्रेस के अंदर कि जहां संघ का नाम जुड़ जाता है कांग्रेस को लगता है कि कोई राष्ट्र विरोधी गतिविधि शुरू होने वाली है। भुवन जी, अब तो आप ही कांग्रेस के साथ हो रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि क्या यही वजह है कि मतलब आरएसएस का नाम आया नहीं और आप जो है खिलाफत करने लग जाएंगे, बस इतनी सी ही बात है? जब से ये सरकार आई है हम ये देख पा रहे हैं कि किस प्रकार उनके जो आरएसएस के कार्यक्रमों में कर्मचारियों के हिस्से लेने पे इन्होंने जो पाबंदी थी उसको हटाने का काम करा, उसको शुरू करने का काम करा। उसके बाद आप देख पाती हैं कि कौन से लोग ऐसे थे जो पाकिस्तान में जिन्ना की मज़ार पे जाकर वहाँ पर सजदा करते थे। आपने देखा होगा वो कौन से लोग थे जो वहाँ पर बिना बुलाए बिरयानी खाने गए थे, और जो अब ये लोग गोडसे की जो विचारधारा है उस पर चलने वाले लोग निश्चित तौर पे अब चाहते हैं कि आरएसएस का एजेंडा किताबों में आए, ताकि जो विद्यार्थियों की विचारधारा है उसको शुरू से आरएसएस की विचारधारा से जोड़ा जाए। और हमें लगता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसी कारण से
इन पर रोक लगाने का काम करा, जिन्हें लोह पुरुष कहते हैं, गुजरात के वो थे, उन्होंने गृहमंत्री थे देश के, उन्होंने इनकी विचारधारा के देखते हुए, इनके नफरती एजेंडे को देखते हुए इनको प्रतिबंध करने का काम करा। और आरएसएस के बारे में ज़्यादा क्या कहना, 52 साल देश के जिस संस्था ने अपने देश का झंडा ना लगाया हो उसके बारे में मैं, बीच में नहीं बोला सर। सर अगर आपको बीच में बोलवाना सीखा फिर कोई नहीं बोल पाएगा, मेरी आवाज़ भगवान ने बहुत बुलंद करी है, मैं बदतमीजी ना करता हूँ ना करने देता हूँ। समीर जी ड्यू रेस्पेक्ट, बीच में मत बोलिएगा, मेरा टाइम है, समाजवादी पार्टी का टाइम, आपके टाइम में बिल्कुल नहीं बोलूंगा। विषय में आपसे कहना चाहता हूँ, तो मैं निश्चित तौर पे कहना चाहता हूँ, आज जिनको मौका मिला है और ये चाहते हैं कि जो बच्चों पे के जैसा इनका पूरे देश में एजेंडा चल रहा है नफरत फैलाने का, बच्चों के मस्तिष्क में अभी से आरएसएस की विचारधारा डालकर उनका जो भारत का जो सेकुलर फॉर्म है उसको तोड़ दिया जाए, ये इनकी चेष्टा है। लेकिन इस देश का जो लोकतंत्र है जिसकी उन्होंने हत्या करने की कोशिश करी चंडीगढ़ में, पूर्व तो सुप्रीम कोर्ट बीच में आ गया, वरना ये तो चाहते थे कि चुनाव भी ना हो, भारतीय जनता पार्टी देश को इस दिशा में ले जाना चाहती, पूरे देश ने देखा, वो तो सुप्रीम कोर्ट की कृपा रही सिका जी, हमको और आपको और देश को न्याय मिल पाया, वरना ये तो लोकतंत्र को खत्म करने वाले लोग आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग। मैं निश्चित तौर पर कैसे किया, क्या खत्म किया आरएसएस के लोगों ने, कैसे खत्म किया जब आप इतने गंभीर आरोप लगा रहे हैं। फिर मैं डॉक्टर विवेक आपके पास आऊंगी, क्योंकि भुवन जी जो है बहुत गंभीर आरोप आपके ऊपर लगा रहे हैं, डेमोक्रेसी की बात हो रही है जो पूरे दुनिया की जो है सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, लेकिन भुवन जी आप मुझे जवाब दीजिए पहले। आपको चंडीगढ़ का प्रकरण याद है कि नहीं याद है? चंडीगढ़ में पंकज विद ड्यू रेस्पेक्ट, मेरे समाज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किस प्रकार लोकतंत्र की हत्या हुई चंडीगढ़ में, और वो सुप्रीम कोर्ट में केस गया, सुप्रीम कोर्ट की वजह से हम लोगों को न्याय मिला, ऑन कैमरा इन्होंने लोकतंत्र की हत्या करी, ये पूरे देश ने देखा। ठीक है पंकज जी, देखिए मैं 3-4 उदाहरण देता हूँ। इस देश में सबसे ज्यादा संविधान में संशोधन किए थे कांग्रेस की सरकार ने, नेहरू की सरकार ने पहला संशोधन किया, इंदिरा गांधी ने संविधान को रौंद कर आपातकाल लगाया, राजीव गांधी ने तुष्टिकरण के लिए शाहबानो केस में फैसला आने के बाद संविधान बदल दिया, राहुल गांधी ने संविधान के आदेश को मनमोहन सिंह के आदेश को फाड़ कर फेंक दिया। हमसे बात करते हैं संविधान बदलने की, और झंडा संहिता की बात करते हैं, देश में प्रतिबंध था झंडा फहराने पर, नवीन चिंतल जो आज हमारे सांसद उनकी याचिका पर लगा तो प्रतिबंध में झंडा प्रतिबंधित था, ये तो संघ के लोगों ने वीर सवार करने काम किया। और हम पूछते हैं कि इस देश में किसने कहा अकबर मान है, इन्हीं लोगों ने, हम कहते हैं राणा प्रताप मान है, ये औरंगजेब को मान मानते हैं, हम कहते हैं छत्रपति शिवाजी मान है। और यदि आज भारत के लोगों को भारत की विचारधारा की बात कराई जा रही है तो इनको क्या आपत्ति है सिर्फ तुष्टिकरण की आड़ में संघ को बदनाम करना? अरे इंटेंट देखो और कंटेंट देखो, पढ़ के बताओ भूपेश यादव जी और जोशी जी क्या कर रहे हैं। भूपेश जी इंटेंट देखो और कंटेंट देखो, कंटेंट का तो आपने इंतजार ही नहीं किया भूपेश जी, कंटेंट का आपने इंतजार नहीं किया लेकिन राजनीति आपकी शुरू हो गई, क्योंकि किताब का कंटेंट आरएसएस से, आरएसएस की जो विचारधारा है और किताब की कंटेंट दोनों में फर्क होगा। तुष्टिकरण की राजनीति बंद करो। कांग्रेस की पूरी सरकार है, 70 साल की कांग्रेस सरकार, कपूर कमीशन, कोई संघ को दोषी साबित नहीं कर पाया आज तक। भूपेश जी मैडम क्या इन्होंने कोई ऐसी कमेटी बनाई है जिसमें सभी तरीके के लोग हैं, कोई ऐसी कमेटी का गठन किया है जिसमें इस पर विचार किया होगा कौन से पाठ्यक्रम इसमें सम्मिलित किए जाए, क्या उसमें सभी दलों का सभी समूहों का रिप्रेजेंटेशन है, मैं जानना चाहता हूँ एक बात। दूसरी बात, तुष्टिकरण की राजनीति देश में कौन कर रहा है, ये सबको दिखाई दे रहा है और नंगी आंखों से दिखाई दे रहा है, ये कहने की जरूरत नहीं है। जब मन से कहा जाता है गोली मारो सालों को तो वो पता है कौन कह रहा है, जो कपड़े देख के पहचान लेते हैं वो पता है क्या इस देश में क्या पहचान क्या फैला रहे हैं। जिनकी संस्थाएं जो इलेक्शन कमीशन जो 15 मिनट में जो चीज आ जानी चाहिए वो एक एक हफ्ते तक ये नहीं बता पाता कि कितने परसेंट। जरा मुझे ये बताइए कि जब चुनाव का माहौल बना, चुनावी माहौल बना, तो आपने संविधान बदलने की बात कही, आपने कहा कि बीजेपी कह रही है संविधान बदल देंगे, वो अगर सरकार में आएंगे संविधान बदल देंगे, प्रधानमंत्री मोदी खुद आकर के कहते हैं कि ये सिर्फ एजेंडे के तहत किया जा रहा है, हुआ भी यही, क्योंकि अगर आप देखेंगे संशोधन को अगर आप संविधान पूरा बदलना कहते हैं तो फिर पूरी विचारधारा ही बदल जाएगी। संविधान बदलने की इनकी कोशिश है वो तो हम बदलने ही नहीं दे रहे इनको, हम संविधान के आगे ढाल बन के खड़े हैं। अच्छा कैसे कैसे बदल देंगे कैसे तो जी? इनके तो छोटे छोटे एजेंडे करके एक बार कभी ये झंडा फहराने का विरोध करते रहे, आप ये किताब अपनी विचारधाराओं को थोपने का सर आपको पता है कि कांग्रेस के कार्यकाल के समय में लगभग 105 बार संविधान के अंदर संशोधन हुआ है,
तो इसका मतलब तो ये है कि आपने पूरे संविधान को बदल दिया। अरे कांग्रेस के समय में मैडम 6 घंटे में कोई बिल पारित नहीं हुआ कि संसद के लोग संशोधन को आप संविधान बदलना क्यों कह रहे हैं? अब मैं आपसे सवाल पूछूंगी, आप कहेंगे कि आप तो बीजेपी की प्रवक्ता हैं। सवाल तो जायज है, सवाल तो पूछे जाएंगे। जो भी संविधान में परिवर्तन हुए वो रजामंदी लोगों के बकायदा पटल पे बिल रखने के बाद दो दो तीन तीन 48 घंटे एक एक हफ्ते तक डिस्कशन होने के बाद हुए हैं। कोई भी ऐसा बिल नहीं है जो 6 घंटे में पारित, सुबह 12 बजे रखे और शाम को बिल बन गया। ऐसे ऐसे आपने देखा है? वो आपने इसी रिजीम में देखा है पिछले 10 साल में होते हुए, जो संसद का जो हाल है वो आपने इसी 10 सालों में देखा। अच्छा, और संविधान का 42वां और 44वां संशोधन याद है आपको? जब आप कह रहे हैं कि 6 घंटे में बिल पास हो जाता है तो वो याद है या नहीं याद है आपको? बता दीजिए। विपक्ष जेल में था और इमरजेंसी के समय में, वो आपको वो वक्त याद नहीं होगा? आप इमरजेंसी पे आज जब आप बैठते हैं और आपको दोबारा सरकार बनानी होती है तो आप कहते हैं कि नहीं भाई इमरजेंसी के समय हमसे गलती हो गई। इमरजेंसी का इमरजेंसी का प्रोविजन संविधान में नहीं है क्या? इमरजेंसी का प्रोविजन है, और उस समय हो क्या रहा था? फिर आप माफी क्यों मांग रहे हैं? फिर आप जब सार्वजनिक मंच पर होते हैं तो फिर भूपेंद्र जी क्यों कह रहे हैं? मैं बताता हूं क्या हो रहा था 1900, यानी कि आप आपातकाल का समर्थन कर रहे हैं ना भूपेंद्र जी? आपकी ही पार्टी के जो आपके पार्टी के प्रवक्ता हैं वो भारत 24 के मंच पर कहते हैं कि हमसे गलती हुई, आप समर्थन कर रहे हैं इसका मतलब? मैं बोलूं? आपसे जो सवाल पूछ रही हूं मैं, तो मुझे बोलने, सवाल भी पूछ रहे हैं जवाब भी आप दे रहे हैं मुझे। आप पहले ये बताइए कि क्या आप समर्थन करते हैं? आपको लगता नहीं है वो गलती हुई? अरे आप मुझे जवाब देने देंगे तो मैं बताऊंगा ना। जवाब दीजिए। आप मुझे बताने नहीं दे रहे तो मैं कैसे बताऊंगा? दीजिए। क्या 1977 में यही लोग नहीं है पुलिस और मिलिट्री को भड़का रहे थे, देश के खिलाफ कह रहे थे कि सड़कों पे आ जाओ? कौन कह रहा था उस समय? कौन था वो लोग? कौन सा संगठन था आप मुझे बताइए, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कौन सा संगठन था वो? डॉक्टर विवेक, ठीक है डॉक्टर विवेक, मिलिट्री और पुलिस को आरएसएस की विचारधारा को इशू बना करके हमेशा विपक्षी दल जो है वो कंट्रोवर्सीज क्रिएट करता रहा। विचारधारा क्या कहती है? अरे मैं ये मैं बता रहा हूं और बताना चाहूंगा, देखिए विचारधारा जो है आरएसएस की विचारधारा जो है ना वो जो है राष्ट्र प्रेम की है और राष्ट्र निर्माण की है। जाहिर सी बात है ऐसे अनेक अनेक तत्व रहे जो कि किसी युग में नहीं हर युग में रहे, जो जिनकों के सत्यता से, जिनकों के धर्म से, जिनकों के आत्मविश्वास से, जिनकों के देश के गौरव से हरदम जो है समस्या रही है, तो उनको समस्या तो आने वाली है। देखिए रही बात जो आरएसएस की बात लगातार हुई है, आरएसएस जो है आप बात करें, आप लेफ्टिस्ट की बात करिए, पूरे के इतिहास को तोड़ मोड़ दिया था, पूरे तरीके से बच्चों को गुमराह किया गया। तो अगर आप देख रहे हैं, आप राष्ट्र निर्माण करना चाहते हैं, आप $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना चाहते हैं, तो आपको बच्चों को ठीक से शिक्षा देनी पड़ेगी। भारत के जो गौरवशाली इतिहास है, जो हमारी परंपरा है, जो हमारे विज्ञान था, उसके बारे में बच्चों को बताना पड़ेगा। और यह एक यूनिवर्सिटी नहीं, देश के सभी यूनिवर्सिटीज में और फॉरेन की यूनिवर्सिटीज में, मैं भी एक प्रोफेसर हूँ, ये चलाया जा रहा है। भारतीय जो ज्ञान परंपरा है, जो भारत में हमारे जो टीचिंग लेसन है और IIMs पढ़ाए जा रहे हैं, तो क्यों ना यूनिवर्सिटीज में बच्चे सीखे। अगर हायर एजुकेशन में आपको ठीक करना है, आपको इसका डेवलपमेंट करना है, तो जाहिर सी बात है आपको पुरानी जो आपके जो परंपरा है, जो आपका ज्ञान विज्ञान का जो केंद्र है, जो रामायण है, जो भगवत गीता है, जो आपका जो चाणक्य नीति है, उसको आपको पढ़ाना पड़ेगा ना। और यही बात किया जा रहा है। अब अगर आप ये सोचते हैं किसकी तरफ से आ रहा है, जहां से भी ज्ञान आता है, जहां से भी नॉलेज आता है, वहां से आपको लेना चाहिए। आपको क्या समस्या कि कहां से आ रहा है? क्या लेफ्टिस्ट विचारधारा से तो नहीं आएगा? लेफ्टिस्ट विचारधारा के लोगों ने लगातार इतिहास को लिखा है और अपने तरीके से लिखा है, देश को बर्बाद किया है, तब तो आप नहीं बोल रहे थे। जब सही इतिहास पढ़ाया जा रहा है, भारत के लोगों में जो ग्लानि था, जो भारत के लोग अपने आप को कमतर समझते थे, जो हीन भावना थी, वो नहीं है। भारत जो है विश्व गुरु था और पहले से था, आज भी है, और इस परंपरा को अगर हम बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, उनको बताना चाहते हैं, दिक्कत नहीं है। और फिर जो ब्लूप्रिंट तैयार होगा उसका भी इंतजार विपक्षी पार्टी कर सकती। भूपेश जी ने बड़े गंभीर सवाल आपसे पूछे हैं, उन्होंने सेना के को आप कैसे कंट्रोल कर रहे थे इसका उन्होंने जिक्र किया। सॉरी, सेना को आप भड़का रहे थे उसका जिक्र भूपेश जी ने अभी किया। आपको मेरी आवाज मिल रही है क्या? चलिए दोबारा कनेक्ट करते हैं। समीर जी आपने ये पूरा कॉन्वर्सेशन सुना है, भूपेश जी ने क्या कुछ कहा, क्या कुछ आरोप उनकी तरफ से लगाए गए, इमरजेंसी की बात से लेकर के 1977 का वाक्य उन्होंने दोहरा दिया।
बिल्कुल, कांग्रेस के प्रवक्ता भूपेश जी का भी जवाब दूंगा और समाजवादी पार्टी के भुवन जोशी जी का भी मैं जवाब दूंगा। जो भुवन जोशी जी इतना संघ के बारे में बोल रहे थे कि संघ इतना अराजक है, तो मैं तो इनसे पूछना चाहता हूं कि मुलायम सिंह मुख्यमंत्री रहे, अखिलेश यादव 2012 से लेकर 2017 तक मुख्यमंत्री रहे, क्या अखिलेश यादव ने संघ को बैन किया? अगर इतना असामाजिक संगठन था तो अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के अंदर बैन कर देते। और ये वही मुलायम सिंह यादव के पार्टी के भुवन जोशी है जो मुलायम सिंह यादव 3 बार संघ की बैठकों में चले गए थे सम्मान करने की, हाँ संघ राष्ट्रवादी संगठन है। बाद में जब उनको ध्यान आएगा उनकी मुस्लिम वोट बैंक का जब चिंता होगी मौलाना मुलायम को, तो बाहर आकर कहते हैं कि नहीं संघ में मैं जरूर गया था लेकिन मेरी भी विचारधारा से मैं समर्थन नहीं करता हूँ। रही बात है कांग्रेस के प्रवक्ता की बात का मैं जवाब दे दूं, वो 1977-75 की जो बात कर रहे हैं जब इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया था, उस समय जयप्रकाश नारायण जैसे व्यक्तित्व ने इंदिरा गांधी के अहंकार को तोड़ने के लिए विपक्षी दल को इकट्ठा किया था, वो जनता पार्टी का गठन हुआ था, सारा विपक्ष इकट्ठा होकर इंदिरा गांधी को हराया था और चुनाव में इंदिरा गांधी खुद हार गई थी, संजय गांधी खुद चुनाव हारे थे और पहली बार देश के अंदर गैर कांग्रेस सरकार बनी थी। कांग्रेस ने उसके लिए माफी मांगी है, इंदिरा गांधी को बाद में कहना पड़ा कि मेरी एक गलती हुई थी आपातकाल लगाकर। तो मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस आज भी आपातकाल को लेकर डरी हुई रहती है। और जब भारतीय जनता पार्टी ने और केंद्र सरकार ने इस साल जब निर्णय लिया कि संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा 25 जून को, जो 25 जून 1975 को हुआ था उसे संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाएगा, तो कांग्रेस को कितनी तकलीफ हुई थी। लोकसभा में ओम बिरला जी ने उसके खिलाफ एक चर्चा शुरू की थी तो सदन से वॉकआउट कर दी कांग्रेस। सदन में कहते ना कि हाँ गलती हुई है कांग्रेस से, हमने आपातकाल लगाया था। तो मुझे ऐसा लगता है कि बार बार आपातकाल का जिक्र कर कांग्रेस को याद दिलाना जरूरी है और मैं कहता हूँ पाठ्य पुस्तक में शामिल होना चाहिए कि आपातकाल का काला अध्याय कैसा रहा, ये भारतीय छात्रों को सिखाया जाना चाहिए कि 77 में और 75 के अंदर 75 से 1977 तक 19 महीने देश की जनता ने कैसा भुगता। भुवन जी देखिए, अभी समीर जी को सुन पा रहा था मैं आपके चैनल के माध्यम से, उन्होंने कहा अराजकता फैला रहा। मैंने एक बार भी पूरी डिबेट में अराजक शब्द इस्तेमाल नहीं किया। कहने का तात्पर्य तो समीर, यार समीर एक ठीक नहीं तरीका। मैं इस तरीके से अपनी बात पूरी कीजिए प्लीज, समय कम है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने जो उसके डिफॉल्टर थे वो सारे बताने का काम करा। लेकिन आप क्या कहते हैं सदन में, आप मल्लिकार्जुन खड़गे को विपक्ष के नेता को कहते हैं अराजकता फैलाना। मैं आपको समीर जी बताना चाहता हूँ, मैं इंटरनेशनल रिलेशन का विद्यार्थी हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ अराजकता फैलाने का मतलब क्या होता है। राष्ट्रद्रोह, राष्ट्रद्रोह के आप, मैं एक मिनट, लेट मी कंप्लीट। मैं आपको बताना चाहता हूँ, तो आप क्या सबूत देंगे देश को क्या वो अराजकता फैला रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, एक दलित नेता क्या वो फैला रहे हैं? देश को सबूत चाहिए। ऐसे नहीं कहेंगे कि आप एक एलओपी हैं, वो सामान्य सांसद नहीं है, एलओपी हैं। लेकिन आप क्या कह रहे हैं अराजकता फैला रहे हैं, आप देश को सबूत दीजिए। यही जो आपका स्टैंड है, यही आपकी विचारधारा को बताता है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की जो विचारधारा है वो लोकतंत्र की हत्या करना चाहते हैं, वो लोग अपने विपक्षियों को बर्दाश्त नहीं करना चाहते, वो अपने विपक्षियों से कोई डिस्कशन नहीं करना। आरएसएस पे बैन लगाओ और बैन हट गया, कांग्रेस की सरकार में ही हटा, सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा निर्णय लिया, तो ऐसा क्यों हुआ फिर? बैन लगाना तो बड़ा आसान होता है, आप तथ्य रखिए, आप प्रूफ्स रखिए, बैन लगा देते। नहीं भुवन जी, आपसे ही सवाल पूछा मैंने, क्या एक बार क्वेश्चन? चलिए, तो एक बड़ा डिसीजन लिया गया है एमपी सरकार द्वारा और आरएसएस को लेकर के अब बवाल शुरू हो गया है। आरएसएस शिक्षाविद पाठ्यक्रम में अपनी बातें रखेंगे और उससे रिलेटेड जो है चैप्टर्स होंगे और इसी को लेकर के हंगामा इस समय विपक्ष कर रहा है। पंकज जी, इस समय भूपेश जी ने जब बातचीत की तो उन्होंने 1977 का जिक्र किया, समीर जी ने उसका जवाब भी दे दिया। अब सबसे बड़ा सवाल ये बनता है कि क्या उसका इंतजार नहीं कर सकते थे? ये तमाम बातें जो विपक्षी पार्टी इस समय कर रही है, क्या लग रहा है आपको आरएसएस से इतनी दिक्कत विपक्षी पार्टियों को क्यों है, बावजूद इसके कि 3 बार आरएसएस पे बैन लगा, उसे हटाया गया, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हमेशा क्लीन चिट मिली, लेकिन बावजूद इसके आरएसएस हमेशा सेंटर पॉइंट क्यों रहता है विपक्षी पार्टी का? देखिए, आरएसएस इसलिए इनके लिए सेंटर पॉइंट है कि आरएसएस इनके तुष्टीकरण के एजेंडा के विरोध में है। आरएसएस की जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की, मां भारती के परम वैभव की, भारत निर्माण की विचारधारा इनको रास नहीं आती। इनकी विचारधारा में अकबर औरंगजेब महान है, हमारे लिए राणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी महान है, तो ये मूलभूत अंतर। और यदि भारत के विद्यार्थी सच को पढ़ेंगे, वो आपातकाल का काला इतिहास जानेंगे, वो शाहबानो प्रकरण के बारे में जानेंगे, वो राहुल गांधी के अध्यादेश फाड़ने के बारे में जानेंगे, वो संविधान को कुचलने की कांग्रेस की योजना के बारे में जानेंगे, वो देश को बांटने के कांग्रेस के षड्यंत्र के बारे में जानेंगे, तो कांग्रेस को अपना चेहरा बेनकाब होने का डर है।
ठीक है, इसीलिए पूरे देश में 75 साल हो गए स्वतंत्रता को, आरएसएस पर एहसान नहीं है। अभी कहा जा रहा था कि पटेल जी ने संघ पर जो है बैन लगाया था, तो आप इतिहास को समीक्षा करिए और आप देखिए कि पटेल जी ने संघ की प्रशंसा भी की थी और संघ पर से बैन हटाया भी था। रही बात आप जवाहरलाल नेहरू को मानते हैं, जवाहरलाल नेहरू ने गणतंत्र दिवस परेड समारोह में तो आमंत्रित किया था, इंदिरा गांधी का देख उन्होंने प्रेस किया था। तो अगर आप अपने नेताओं को मानते हो, खास करके मैं भुवन जोशी जी से पूछना चाहता हूँ, आपकी सरकार उत्तर प्रदेश में थे, आपके जो है मुलायम सिंह यादव जो डिफेंस मिनिस्टर थे, तो आपने क्यों इतना एक्शन लिया? देखिए ऐसे उल्टा सीधा बातें बोलने से कुछ नहीं होता है। अगर आप देखिए कि आरएसएस का योगदान क्या है, 1925 से एक संसद जो है भारत के स्वाभिमान को जगा रही है, भारत के लोगों को जो है जो है शिक्षित कर रहे हैं कि आप अपने इतिहास को जानिए। अगर इसको देखते हो, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्लियरली कहा गया है कि अपने आप इतिहास को पढ़े और अपने आप सच्चे इतिहास को पढ़े। अगर हम प्रयास करते हैं, वो किसी ने भी लिखा हो, वो एबीसी कोई भी हो सकता है, जिसने भारतीय इतिहास को पढ़ा है, भारतीय इतिहास को समझा है, हमारे ट्रेडिशनल वैल्यू सिस्टम को जानता है, वही तो लिखेगा ना, लेफ्टिस्ट वर्ड थोड़ी लिख पाएंगे। तो अगर उन्होंने लिखा है और उसको पढ़ाया जा रहा है तो बच्चों के लिए अच्छी बात है, आपको दिक्कत क्या है इसमें? भूपेश दिक्कत क्या है आपको इससे? अगर जो चीजें घटित हुई है भारत में उसका जिक्र अगर होता है पाठ्यक्रम में, उसे शामिल किया जाता है, और अगर इमरजेंसी को भी शामिल किया जाता है जिसपे आपकी जो पार्टी है खुद माफी मांगती है, इसमें आपको दिक्कत क्या हो रही है? हमें क्या दिक्कत हो रही है, हमारे तो मानना है, हम जो इन्होंने बताया कि पटेल साहब ने बैन लगाया, पटेल साहब ने हटाया, इंदिरा जी ने बैन लगाया, इंदिरा जी ने हटाया, यही फर्क है इनकी विचारधारा और हमारी विचारधारा में। हम सबको साथ लेके चलते हैं, डिस्कशन करते हैं, बातें करते हैं, एकल एक मिनट मैं आपके बीच में नहीं बोलूंगा डॉक्टर साहब मैं आपके बीच में नहीं बोलूंगा तो कृपया करके मेरा वाक्य, डॉक्टर साहब मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा हूँ। अरे डॉक्टर साहब आप पढ़े लिखे आपने आपके बीच में, डॉक्टर साहब मुझे बोलने दीजिए ना, अपने समय में बोलिए, मैं बोला था बीच में आपके, एक शब्द भी नहीं बोला, तो आप मुझे क्यों नहीं बोलने दे रहे? यही है, थोपना चाहते हैं, ऐसे ऐसे नहीं वैसे, ये थोपना चाहते हैं ऊंची आवाज में, दबा के दबे कुचलों को कुचल के, गरीबों को दबा के, ये इनकी रणनीति का हिस्सा है। इसीलिए हम कह रहे हैं संविधान बदलना चाहते हैं, संविधान बदलने के रास्ते में पाठ्यक्रम में बदलाव, पाठ्यक्रम में बदलाव उसका एक हिस्सा है। एक आदमी को बोलने के लिए बात पूरी करने दीजिए, पूरी बात करने दीजिए समीर जी, फिर मैं लौटूंगा डॉक्टर साहब को, चुप रहना क्यों नहीं आता? अच्छा ठीक है डॉक्टर विवेक, अपनी बात पूरी कीजिए। भूपेश जी बोलिए बोलिए, डॉक्टर साहब को चुप रहना क्यों नहीं आता? मैं अरे बोलिए सर, समय बहुत कम है प्लीज। अरे आप भाई साहब आप उल्टा बोलोगे, आप तकतहीन बात, अरे आप उल्टा मतलब आप जो बोल रहे हैं वो सीधा सवाल ये है, ठीक है डॉक्टर विवेक आप जो बोल रहे हैं वो सीधा सीधा बोल रहे हैं, आप बता दीजिए संविधान कैसे बदल रहा है, डॉक्टर साहब बता दीजिए संविधान कैसे बदल रहा है। अरे श्रीमान डॉक्टर साहब आप जो बोल रहे हैं वो सीधा सीधा बोल रहे हैं और जो मैं बोल रहा हूँ, अरे भूपेश जी सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि संविधान कैसे बदला जाता है, संविधान बदलने की प्रक्रिया क्या होती है? भूपेश जी डॉक्टर विवेक आप लोग किसी को अपनी विचारधारा व्यक्त भी नहीं करते, भूपेश जी मेरा एक सवाल है आपसे, संविधान बदलने की प्रक्रिया क्या होती है, क्या आप बता सकते हैं संविधान कैसे बदला जाता है, क्या बता सकते हैं? सबको साथ लेके चलने नहीं देना चाहते, ये संघ की प्रॉब्लम है। आप सिर्फ थोपना जानते हैं, लोगों की इच्छा, आप लोगों की मन की बात नहीं करते, आप अपनी मन की बात करते हैं। आप वो जवाब नहीं दे रहे हैं, मैंने आपसे सवाल पूछा है संविधान कैसे बदला जाता है, आप अगर उसके मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को बता दे तो मैं इस कॉन्वर्सेशन को यहीं पे खत्म करती हूँ। शिखा जी मैं जवाब दूंगा इसका, दीजिए बताइए। शिखा जी आपको चुनाव से पहले 2024 से पहले याद है अरुण गोविल जी क्या कह रहे थे? हमें 400 सीट दे दीजिए क्योंकि हमें संविधान बदलना है। क्या आपने उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने आकर के इस बात को स्पष्ट किया, वो आपको याद है? अभी याद है? तो पूछ रही हूँ आपसे, मैं पूरा दूंगा, अभी एक एक ही उदाहरण नहीं है, एक ही मिनट का समय। पूर्व सांसद इनके अयोध्या के क्या कह रहे थे? हमें 400 सीट चाहिए क्योंकि हमें संविधान बदलना है। इनके हेगड़े जी क्या कह रहे थे? हमें 400 सीट चाहिए ताकि हमें संविधान बदलना। ये कोई विपक्ष के लोग नहीं करते, भारतीय जनता पार्टी के या तो सांसद या कार्यकर्ता या उसमें चुनाव लड़ने वाले। भुवन जी कभी ये बातें कही नहीं गई और प्रधानमंत्री तो खुद आकर के गए और चुनाव से पहले की बात मैं कर रही हूँ।
तो मैं अगर ये मंशा है, ये मैंडेट होता बीजेपी का, तो इसी के साथ खुलेआम चुनाव लड़ी जाती। शिखा जी, ये बातें ऑन रिकॉर्ड है, इनके सांसदों ने, इनके कार्यकर्ताओं ने, इनके जो चुनाव लड़े, आप सांसद बने, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड ये बात कहने का काम करा। रिएक्शन प्लीज। ठीक है पंकज जी। शिखा जी, मैंने नेहरू जी से लेकर राहुल गांधी जी तक का प्रमाण दिया कि कैसे उन्होंने संविधान को कुचला और बदला, और पिछली बार भी 19 से 24 तक भारतीय जनता पार्टी एनडीए मिलाकर 400 से अधिक सीटें थी हमारे पास, पर हम बाबा साहब अंबेडकर के संविधान से छेड़छाड़ नहीं करना चाहते। जो बाबा साहब ने बना दिया वही फाइनल स्टैंड है बीजेपी का। हम तो जानना चाहते हैं कि तुष्टीकरण करने वाले कब तक भारत का विरोध करते रहेंगे, कब तक भारतीयता का विरोध करेंगे, कब तक राष्ट्रवाद का विरोध करेंगे, कब तक हमारी संस्कृति और संस्कारों का विरोध करेंगे, क्यों पीछे पड़े हो भारत के और हिंदुओं के, जानना चाहते हैं तुष्टीकरण के लिए। ठीक है भूपेश जी, उत्तर दीजिए। भाजपा के प्रवक्ता को कहूंगा कि कांग्रेस को देश राष्ट्रवाद का पाठ ना पढ़ाए। कांग्रेस इनसे ज्यादा राष्ट्रवादी है, थी, है और रहेगी। जो जिन्ना की मजार पे जा, जो जिन्ना की मजार पे जाके माथा टेकते हैं, उन्हें ना सिखाएं। ये वही कांग्रेस है जिन्होंने पाकिस्तान से दो हिस्से कर दिए थे, जिसका आज नाम बांग्लादेश है। ये मुझे ना सिखाएं। अब मेरी बारी, अब मेरी बारी है तो मुझे